दिल्ली में विधानसभा वोट है और बड़ावल लड़ाई जारी है बीजेपी एंड आप सरकार के बीच। कौन कुर्सी में बैठेगी, बीजेपी और आप? चलिए जानते हैं जनता की राय। आप क्या बोलना चाहेंगे, बीजेपी और आप आएगी? बीजेपी, हम देश के लिए अच्छा कर रहे हैं इसलिए बीजेपी आएगी। देखो आम आदमी आएगी। आपने काम किया है, काम के बेस पे आएगी? केजरीवाल आएगा जी, अच्छे काम करते हैं इसलिए आ रहे हैं। केजरीवाल क्यों चाहते हैं? आप ये स्कूल देखिए, इसमें मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ। जब मैं पढ़ता कन्या विद्यालय, जब मैं पढ़ता था स्कूल के अंदर, तो पूरी स्कूल की हालत थी ना, बिल्कुल ख़राब थी। मुझे लगभग 6 साल हो गए हैं स्कूल से छोड़े हुए, 12वीं पास करे हुए। आप इस स्कूल को जाके देख लीजिए, A1 स्कूल है ना, प्राइवेट स्कूल फेल है इसके आगे। अब मोदी जी को लाना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? ठीक नेता है। क्या 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 उसने जो आप बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं? हमारे नज़र में देखने में बढ़िया है नेता, बुजुर्ग आदमी है, इसलिए हम चुनाव कर दिए हैं उनके लिए। क्या चाहते हैं, दिल्ली में बीजेपी आए और केजरीवाल? केजरीवाल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? केजरीवाल अच्छा सुविधा दे रहा है हम लोगों को, बिजली फ्री है, सब चीज़ फ्री कर दिया है। किसको आप चाहते हैं, बीजेपी और आप? बीजेपी। क्यों चाहते हैं? बीजेपी देश के अच्छा करे उसमें चाहते हैं। क्या क्या अच्छा किया है उन्होंने, थोड़ा बताइए। अब क्या आप सबको क्या बताएं, टाइम नहीं पाया। मतलब थोड़ा कुछ अच्छा अच्छा चीज़ें बता दीजिए जिसके कारण आप समर्थन कर रहे हैं। हम इसे पहले मानते हैं, शुरू से भी मानते हैं, बीजेपी मानते हैं जी। हम लोग तो बीजेपी का चाहते हैं, हम लोग बीजेपी के वोटर हैं। क्यों आएगी तो नहीं बोलेंगे, सही है, देश के लिए अच्छा काम किया। हाँ कुछ बताइए थोड़ा सा, जो क्योंकि इस कारण की वजह से वो आएगी। सब कुछ अच्छा कर रही है इसलिए आएगी। मैडम जी बहुत कुछ की है बीजेपी। थोड़ा सा बताइए क्या क्या है उसने। तो बहुत कुछ किया हुआ है। बहुत कुछ मतलब क्या क्या? विकास के तो बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन उसने क्या नाम पूछेगा, हर चीज है, पढ़ाई से लिखाई से शिक्षा से हर सुविधा से, गरीबों के जनधन जो योजना फोजना क्या क्या होते हैं, ये सब बहुत कुछ ने मोदी जी ने किए, तो हम लोग मोदी जी का सपोर्ट करते हैं। वो बहुत अच्छा काम किया उसने। क्या क्या किया थोड़ी सी बता दीजिए। उसने जैसे कि बसों में लेडीज़ों को फ्री किया है, बसों में लेडीज़ फ्री किया, और बहुत काम किए, कैमरे लगवाए, बहुत चीज़ें की उसने। तो बिजली का बिल है 200 यूनिट तक फ्री है, पानी का है, और सड़कें काफ़ी अच्छे हैं, स्कूलों में काफ़ी काम किया है केजरीवाल ने। आप इसके पीछे जाएंगे ना, एक स्कूल और है, दो स्कूल हो गए हैं इसके अंदर, जो जगह खाली पड़ी थी ना जंगल, उसमें उन्होंने स्कूल बना दिया है, A1 एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया है उन्होंने, यहीं है मसीगढ़ गांव है, उसमें मोहल्ला क्लिनिक है। प्लस केजरीवाल जी ने लगभग 200 से 250 कैमरे लगवा रखे हैं हमारे इलाके में खाली। बीजेपी से परेशान हो गए लोग क्या, पूरी देश की जनता परेशान है, जो उसके भक्त हैं सिर्फ वही गुणगान करते हैं, बाकी तो सब परेशानी है ना। बिल्कुल केजरीवाल को जाएगा। केजरीवाल क्यों देना चाहते हैं? काम बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया काम करा है उन्होंने, और आगे भी करते रहेंगे, इतनी पूरी उम्मीद है हमें। क्या क्या थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्या क्या कामों के लिए वो उसको वोट देना चाहिए? सबसे मेन तो हॉस्पिटल बिल्कुल बेहतर करे उन्होंने। आज की डेट में आप इमरजेंसी चले जाएं, आप वहाँ पर आपको इतना बढ़िया मिलेगा सुविधा की जिसकी कुछ नहीं है। पहले आपको लाइनों में नहीं लगता, ठीक है ना, आप जाएंगे सीधा आपको इमरजेंसी में फ़ौरन। सबसे मेन स्कूल कॉलेज सब बेटर, जिसे कहते हैं पानी बिजली कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ थी कि हॉस्पिटल के अंदर में उन्होंने सारा काम किया है, इससे ज़बरदस्त कोई काम नहीं हो सकता और ना कोई नेता कर सकता। गरीबों आदि की मदद किया है, अस्पताल खोले हैं, दवाई फ्री है, स्कूल बहुत बच्चे हमारे लोग को पढ़ते हैं लिखते हैं, सब उसमें दवाई फ्री मिल रही है, सब चीज़ फ्री मिल रहा है। और क्या CA और NRC का प्रभाव पड़ेगी चुनाव में? हाँ चुनाव में प्रभाव तो पड़ेगा खैर। अब ये कराया है मोदी जी ने, तो ये उनके हिसाब से सही है तो सही होगा, लेकिन इस पर दिल्ली का तो इतना असर होना नहीं चाहिए वैसे, कि आप एक तरफ पर सोच के वोट नहीं दे सकते ना, कि खाली शाहीन बाग और जामिया के थ्रू आप दिल्ली में वोट नहीं दे सकते हो ना। आप देखोगे तो सारा ही चीज़ ना, काम देखोगे दिल्ली में, या आप खाली पूरी दिल्ली खाली ये सोच के कि शाहीन बाग में जाम लगा है या शाहीन बाग में धरना हो रहा है, तो उसके बलबूते पे वोट नहीं दिया जाएगा। जो काम करेगा हम उसको देंगे ना, हम ना बीजेपी को चाहते हैं, ना आपको जाते हैं, ना कांग्रेस जाते हैं, जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। और क्या आपने क्या क्या किया है जो इसीलिए आप समर्थन करते हैं? समर्थन करते हैं कि जो गरीब आदमी है, जो मीडियम क्लास का आदमी है, सबसे बड़ी बात है कि 20,000 लीटर पानी उसने फ्री किया। पहले पानी के लिए हम लोग तरसते थे, और सबसे बड़ा कि बिजली का बिल हम लोग को गर्मी में 700-800 हज़ार का आता था, अभी 1 रुपये का बिल नहीं आ रहा था, तो ये तो काम हुआ है ना। और ख़ासकर हॉस्पिटल की जो स्वास्थ्य का जो इंतजाम है,
ये व्यवस्था मतलब कि गरीबों के लिए हुआ है। और दूसरी बात कि औरतों को जो पास जो ये आपको जो DTC में जो फेरी किया है, इससे तो गरीब को बहुत फायदा हुआ ना। जो औरतें, जो गरीब तबका की जो औरतें हैं जो काम करने के लिए जाती है, 3,000-4,000 जो काम करती है, उसका कम से कम 1,000-1,500 जो रुपया जो टिकट में लगता था वो तो बच गया। तो ये सब काम जो हम लोग को नज़र आ रहा है। बाकी अब बात करने के लिए हर बात ही बड़ा बड़ा बात करती है, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, तो हमें बातों पर नहीं जाना, हमें काम पर जाना है। तो काम के आधार पर हमें ये केजरीवाल को वोट देना है, ठीक है। और मैंने वोट मोदी जी को भी दिया है, जब प्राइम मिनिस्टर के हुए थे ना, जब मैंने वोट मोदी जी को दिया था। लेकिन जो मुझे CM चाहिए, मेरा जो पसंदीदा CM है, वो है केजरीवाल। हम लोग चाहते हैं कि BJP आए। क्यों चाहते हैं? ऐसे ही मतलब कुछ वो काम किया है। क्या किया है? ऐसे ही जैसे कि बिजली बिल तो ये सब फ्री करवाया है। ये तो केजरीवाल ने किया है। हाँ जी, तो BJP तो ये सब नहीं किया है। नहीं जी। तो आप बोल रहे हैं BJP को चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? अच्छा काम करता है वो BJP। देखिए, जो जितने भी गरीबों से संबंधित मुद्दे हैं, आम जनता से मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, सब में BJP अपना रोल अदा कर रही है। हमने पहले अभी कुछ दिन पहले उन्हें चुन के भेजा है, और अभी एक महीने मतलब जितने भी टाइम हुआ है उस टाइम के बीच में उन्होंने इस गति से वो काम कर रहे हैं जिनकी कल्पना पहले कभी हुई नहीं। सारे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इसके प्रभाव चुनाव में पड़ेगी। देखो, प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, करें। जायज बात पर विरोध हो, विरोध पार्टियां होनी चाहिए और जेन्युइन विषय उठाने चाहिए, कौन रोक रहा है? पर झूठे प्रचार नहीं होने चाहिए। झूठे प्रचार से ना लोग कुर्बानी तो चली जाती है उन लोगों की। जो नेता इसे बताते हैं ना TV में, उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं है। दिल्ली को वोट देना है, दिल्ली में जो काम हुआ है उसके बलबूते पे। ये नहीं कि आप कह रहे हो कि यहाँ पे जाम लगा रखा है, वो बात की बात है, वो तो देश का मैटर है, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली के इलेक्शन है, तो दिल्ली में वोट बंदा उसी को दे जिसने काम कराया हो। भारतीय जनता पार्टी आए। क्यों आए? देश के अंदर अच्छा काम कर रही है, राष्ट्र हित में काम कर रही है। केजरीवाल लोगों को धोखा दे रहा है। केजरीवाल जी ने जो भी घोषणाएं करी, बच्चों की झूठी कसम खाता था कि उसने अपने बच्चों की कसम खाई है उसने कि मैं कुर्सी नहीं लूँगा, सत्ता नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा। उसने बंगला भी लिया, कुर्सी भी ली, टिकट काट दिया। हाँ, जीते हुए विधायकों का टिकट भी नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्या कारण है? क्या बात है? जो MLA जीते हुए हैं उनको टिकट नहीं दिया, क्या कारण है? बहुत सारे जगह जो है जीते हुए विधायकों को टिकट नहीं मिला है। मैं और मेरी पूरी फैमिली, और जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पे तो आप चले जाओगे ना, तो आपको एक आदमी नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि BJP को वोट दूंगा। निर्भया वाला कांड हो, उसकी फाइल दबा रखी थी JNU में, जिनको कोर्ट में कन्हैया उसकी रिपोर्ट रोक ली, कोर्ट में पेश नहीं करी, तो उसके लिए कौन दोषी है? केजरीवाल ही तो दोषी है। जो ओखला का MLA है अमानतुल्लाह खां, उसने यहाँ पर एक मूवमेंट चलाया, जामिया से प्रोटेस्ट आया यहाँ पर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी सुखदेव विहार, यहाँ पर 5 DTC की बसें फूकी। मनीष सिसोदिया जी बोलते हैं, जब यहाँ पर बसें फूक रही थी तो पुलिस वाले बेचारे अधिकारी जो थे वो उसको बुझा रहे थे, तो मनीष सिसोदिया DTC बोलते हैं कि पुलिस वाले उसमें पेट्रोल डाल रहे हैं। गरीब आदमी भी फ्री, हम सब फ्री नहीं चाहते, बेहतर सुविधा चाहते हैं।